गुड मॉर्निंग बच्चों, इससे पहले बेटा हमने आपको लेसन 4 में 4 टॉपिक मेन पढ़ाए हैं, जिसमें धारिता के बारे में बताया था, एक संधारित्र की धारिता के बारे में बताया, विलगत गोली की धारिता के बारे में बताया, और प्लस आपको मैंने संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में पढ़ाया था। अब आपको हम उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल कुछ बता रहे हैं। जैसे एक 25 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर हमको दिया गया है और उसमें कितना आवेश होगा ये हमें बताना है। तो C बराबर हमको दिया गया 25 माइक्रोफेरेड, क्योंकि धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं, तो C बराबर 25 माइक्रोफेरेड, तो माइक्रो का मतलब 10^-6 फेरेड। V बराबर 250 वोल्ट दिया गया, तो Q बराबर क्या हमें ज्ञात करना है, तो होता क्या है C बराबर Q अपॉन V। तो Q बराबर इधर ले गए तो Q बराबर CV, तो C की वैल्यू हमें पता है 25×10^-6, और V बराबर 250 दिया गया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, और ये एक जो जीरो ये था ये यहाँ आ गया 10^-6। यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम इसको दशमलव यहाँ पे है तो यहाँ से मान लीजिए इधर लेके आते तो 3 दशमलव इधर लेके आएंगे तो इसकी 3 प्लस में बढ़ जाएगी, तो -6 थी -6 में प्लस 3 जुड़ेंगे तो क्या आएगा -3, तो इतना आया। तो इसका मतलब क्या होगा, दो प्लेटें होंगी, दोनों पे आवेश कितना होगा, इतना ही होगा, क्योंकि संधारित्र में आपको हमने बताया कि इस पर समान आवेश होता है और विपरीत होता है। तो इसका मतलब अगर इस पर पहली वाली प्लेट पे प्लस का 6.25×10^-3 कूलम होगा, तो दूसरी पर भी उतना ही होगा लेकिन माइनस का होगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा, एक संधारित्र है जिस पे 100 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रो कूलम आवेश हमें ग्रहण करता है, ठीक है, तो क्या होगा, दो करता है कितना, 2 माइक्रो कूलम आवेश ग्रहण करता है, तो संधारित्र की धारिता बताओ। तो हमें यहाँ पे वोल्ट मतलब क्या, वी दिया गया है, वी मतलब विभवांतर, विभव कितना दिया गया है 1000 वोल्ट, और आवेश दिया गया 2 माइक्रो, माइक्रो का मतलब बताया 10^-6 कूलम हो जाएगा। सी हमें ज्ञात करना है, तो सी बराबर Q/V, तो सी क्यू की वैल्यू कितनी है, 2×10^-6, और 1000 से भाग देंगे तो 1000 का मतलब क्या होता है 10^3, क्योंकि नीचे है, जब ऊपर ले जाएंगे तो 10^-3 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे फेरेड है क्योंकि हमें पता है कि धारिता का जो मान होता है वो माइक्रो फेरेड में होता है, तो 10^-6 को इधर लिए जाइए तो वो माइक्रो में हो जाएगा, तो 2×10^-3 ये हुआ और ये माइक्रो फेरेड हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या आपको दी गई 1 सेंटीमीटर, तो आवेश 1 कूलम आवेश देने पर कितना विभव होगा, तो वहाँ पे उस गोलीय त्रिज्या जो वे गोलीय विलगत आवेश जो ए जो चालक था उसके वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो त्रिज्या सी बराबर ए, त्रिज्या जो हमें दिया गया ए बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर, मतलब उसे जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1×10^-2 मीटर, और क्यू बराबर 1 कूलम, वी बराबर हमें ज्ञात करना है, तो गोलीय चालक के लिए धारिता जो होती है वो क्या होती है 4π0A, तो C बराबर हमने इसकी वैल्यू बताई वहाँ पे नोट में आपको लिखाया 1/9×10^9, और A बराबर अभी यहाँ पे देखिए लिखी हुई है 10^-2, तो ये यहाँ पे पुट कर दिया। इसे इवेलुएट करेंगे तो 1/9 इसको नीचे ले आइए तो क्या होगा, घात प्लस में, तो 9×2 = 11, 10^11 फेरेड। अब C बराबर होता क्या है, Q/V, तो V बराबर Q/C, तो यहाँ पे V बराबर, तो Q की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 ये लिख गया, और इसकी वैल्यू ये दी गई 1/9×10^11, ये रहा, ये ऊपर जाएगा तो 9×10^11 वोल्ट, क्योंकि जब कोई मेन अपॉन के अपॉन में कोई चीज़ होती है तो फिर से पलट कर ऊपर चले जाते, तो ये ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, ठीक है। ओके, चौथा क्वेश्चन जो है, 6 माइक्रोफेरेड के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, संधारित्र में कितना संचित ऊर्जा होगी वो हमें ज्ञात करनी है, तो सी बराबर धारिता में दी गई है कितनी, 6 माइक्रोफेरेड, तो माइक्रो का मतलब 10^-6 फेरेड हो गया, विभव 100 वोल्ट दिया गया, संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो
क्या बताया था, U इज इक्वल टू मतलब संचित ऊर्जा क्या होगी, स्थिति ऊर्जा या संचित ऊर्जा, एक बटे दो सी हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी की वैल्यू 6 माइक्रोफेड तो 10 गीगा माइनस 6, और V बराबर 100 तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर इतना आ गया, तो ये दो से कैंसिल किया, दो से छः को कैंसिल करेंगे तीन, ये 10 की घात माइनस 6 और ये 10 का 100 का मतलब क्या होता है 10 की घात 2, तो 2 दुनी 4, इसे यहाँ पे माइनस के 6 यहाँ पे प्लस के 4 आपस में घट जाएंगे तो 10 की घात माइनस 2 बचेगा, क्यों घटेंगे तो हमेशा जो बड़ा होगा उसका बचेगा, तो माइनस का 6 था तो उसका ही 2 बचेगा, तो 3 गुणे 10 का माइनस 2, इसे जब एवेलुएट करें तो इसका मतलब है 100 से भाग दे रहे हैं, 100 से भाग देंगे तो दो संख्या के बाद में दशमलव लग जाएगा, तो इतनी उसमें ऊर्जा संचित होगी। ओके बेटा, थैंक यू।